पल्ले में आ गई है एक नई भूतनी। वैसे इन दिनों लगता है कि टीवी की दुनिया का ना मन भर गया है इंसानों से, तभी तो ये भूत लोग पर कुछ ओवर रिलाई करने लग गए हैं। और लीजिए, अब अंगूरी भाभी की भूतनी बुआ आ गई है परेशान करने तिवारी जी को। लो भाई, अब भाभी जी के घर भी भूतनी की एंट्री हो गई। वैसे ये पहली बार नहीं है, भाभी जी के घर भूत तो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आजकल भूत चुड़ैल और डायनों का जमाना लौट आया है, तो भाभी जी के घर भी भूत लौट आया। भाभी जी ने अपने घर में इस भूत को देखा, वो धीरे से उनके पास गई और देखते ही इस भूत से लिपट गई, उनसे बातें करने लग गई। हालांकि तिवारी जी को ये भूत नजर नहीं आ रहा, तो वो समझ नहीं पाए कि आखिर अंगूरी अकेली अकेली किनसे बात कर रही है। वो यहाँ आए और उसी कुर्सी पर बैठने गए जहाँ ये भूत बुआ बैठी थी, तो अंगूरी ने रोक दिया और भूत बुआ गायब हो गई, तो अंगूरी नाराज हो गई। जी हाँ, ये भूतनी कोई और नहीं, अंगूरी भाभी की बुआ हैं। उनकी आत्मा आई है और उनसे बात कर रही हूँ और तोते उनके उड़ गए हैं। उनकी परसों बाद वो पता नहीं कहाँ से आ गई, उन्हें लग रहा है से कम्युनिकेट करने का एक नया रास्ता ढूंढा जाएगा और फिर उनसे लगातार बातें होंगी। अंगूरी भाभी की ये भूत बुआ के जाने के बाद अंगूरी भाभी अलमारी में रखी हुई कुछ चिट्ठियों को खोजने लग गईं, और तब उन्हें पता चला कि एक चिट्ठी तो गायब है, तो वो फिर से तिवारी जी को परेशान करने लग गयी, क्योंकि ये चिट्ठियाँ अंगूरी भाभी के लिए बहुत खास है। बुआ जी तीन चिट्ठियाँ देकर जाती है अंगूरी को, जो रखती है और जब याद आती है तो पढ़ती है। अभी वो चिट्ठियाँ इन्होंने एक चिट्ठी जो हमने रद्दी में भेज दी, हमको क्या पता, हमें लगा शायद रद्दी में गई होगा, हमने भेज दिया उठा के, तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि ये जो तीसरी चिट्ठी के लिए होनी है, बताओ आप, बुआ जी की आत्मा इनको बैंड बजाएगी। भाभी जी की ये भूत बुआ अब क्या क्या लीला दिखाएंगी और तिवारी जी को किन किन तरीकों से परेशान करेगी, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर। जी हाँ, वैसे भी बरसात का मौसम है, ज्यादा देर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे तो भीग जाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा पहला स्टेशन है जी टीवी पर आने वाले नए शो कुछ तो है तुझसे राबदा का सेट। जोरों शोरों के साथ जी टीवी का ये नया सीरियल शुरू होने वाला है। इस शो में आपको माँ बेटी की कहानी नजर आएगी। वैसे आपको बता दें कि इस शो में बेपनाह के यश यानी कि जोया के पति भी नजर आएंगे। रिलेट इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा बेबी है और रीम डेफिनेटली उससे बहुत बड़ी है, लेकिन माँ की फीलिंग इज माँ की फीलिंग ही रहती है। जैसे मैं अपने बेबी के साथ में हूँ, फन लविंग और बिल्कुल ऐसी फनी सी और हसमुख सी, वैसे ही मैं यहाँ पर भी हूँ इस कैरेक्टर में भी। एक रिलेशनशिप के बारे में ही दिखा रहे हैं हम लोग, माँ बेटी का रिलेशनशिप, लेकिन वो रिलेशनशिप भी इतना अलग है कि बेसिकली मुझे वो स्टोरी और कंसेप्ट ही अच्छा लगा कि ये रिलेशनशिप कुछ हटके रिलेशनशिप है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप मदर एंड डॉटर का टाइप है एंड
I'm really looking forward because I'm coming back after a lot of years, 2 years, and I'm very excited because Kalyani is a really fun and a challenging character. फटाफट खबरों में हमारा अगला स्टेशन है निमकी और क्या हाल मिस्टर पांचाल का सेट, जहां पर स्टार भारत चैनल के 1 साल पूरे होने की खुशी मनाई जा रही है। इस चैनल पर आने वाले सीरियल के कलाकार बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। फटाफट खबरों में आज इतना ही, हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमारे कबीर बन गए हैं, द नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तभी तो जेम्स बॉन्ड बनकर निकले हैं जासूसी करने, अपनी जारा को बेगुनाह साबित करने के लिए। आपने शायद ही देखा होगा कि किसी पति को अपनी पत्नी के बारे में यूं खोजबीन करना, कबीर को ये मौका मिला है कि वो जेम्स बॉन्ड बनकर अपनी पत्नी को बेगुनाह साबित करे। हमारे पास सिर्फ 7 दिन के, हम साबित करें कि ज़ारा बेगुनाह है और निलुफर के खून के साथ कुछ लेना देना नहीं। छोटे पर्दे पर तो जेम्स बॉन्ड की नानी बनने का अधिकार सिर्फ बहुओं को होता है, लेकिन यहाँ पर आज ये जिम्मेदारी कबीर को दी हुई है। अब कबीर अपने दोस्तों के साथ मिलकर 7 दिन के अंदर अपनी पत्नी के खिलाफ खूब सारे सबूत इकट्ठा करेगा और अपनी पत्नी जारा को बेगुनाह साबित कर ही दम लेगा। इसकी शुरुआत भी उसने कर दी है। जहर की जो इंजेक्शन की शीशी थी, उस पर जारा के उंगलियों के निशान आए कैसे? हम सब जानते हैं जारा ने नहीं दिया जहर, तो वो कहाँ से आया? कहीं से, किसी ने तो डाला होगा उसे वहाँ। जो काम थाना में बैठकर पांडे जी नहीं कर पाए, वो अब यहाँ पर बैठकर कबीर साहब करेंगे। अब कबीर, आपके लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जब जब आप पर मुसीबत पड़ी, जारा ने डटकर सामना किया और आपको मुसीबत से निकाला भी। अब बारी आपकी आई है, चूकना बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जेम्स बॉन्ड की जितनी भी किताबें हैं सारी पढ़ डालिए, ताकि 7 दिन से पहले ही जारा को बेकसूर साबित कर पाए आप। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्योंकि वो तो चोरी करने निकले हैं ना, और देख लीजिए, सेठानी जी के कहने पर सेठ जी की ही दुकान से कर रहे हैं चोरी। इलायची के जीजा जी यानी कि पंचम चोरी छुपे अपनी छत से उतरकर आज अपने ही सेठ जी की दुकान में करने जा रहा है चोरी। वो दबे पांव अपनी छत से उतरा, धीरे से दबे पैर वो दुकान में दाखिल हो गया, दरवाजा बंद कर दिया और वहां उसकी सेठानी भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आई। उसने भी चुपके से दरवाजा बंद कर दिया और पंचम की राह देखने लगी। सेठ जी भी चुपके चुपके ये सारा खेल देख रहे हैं, मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या चल रहा है। उतने में पंचम आया। पहले तो सेठानी जी उसे देखकर डर गई, लेकिन फिर पंचम ने धीरे से उन्हें पैसे दे दिए और फिर पंचम भी चला गया और सेठानी जी अपने पल्लू में पैसे छुपाकर वहां से निकल ली। क्योंकि एक बच्ची है जिसका सस्पेंस बना हुआ है कि ये बच्ची कौन है, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो बच्ची कौन है जो आंटी जी को मम्मी जी करके बुलाती है, और जो सेठ जी हैं प्रॉपर्टी अपने दुकान और मकान सब कुछ आंटी जी के नाम करने वाली, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि वो नाम भी उनके हो आंटी जी के, और एट द सेम टाइम ये 10,000 रुपये चुरा रहा हूँ ताकि आंटी जी उसका यूज़ कर सकें उस छोटी सी बच्ची की बच्ची के लिए। मुझे बहुत दुख हुआ
कि जिसको मैं अपने घर पे नौकर रखे हूँ वही मेरी तिजोरी हाथ साफ कर रहा है। पंचम का और इलायची की मम्मी जी का ये सारा खेल सेठ जी ने तो देखा ही, मगर इलायची और उसकी सहेली ने भी देखा। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पंचम ने चोरी की तो क्यों। एकदम शरीफ सुलझा हुआ सीधा साधा भोला भाला सा लड़का है और उसके अंदर तो पहले से ही अच्छाई भरी है और वो एक मुलाजिम होने का भी फर्ज निभा रहा है और मुझे माँ की तरह मानता है, तो एक बेटे होने का भी फर्ज निभा रहा है, तो पंचम के लिए भी मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पंचम ने बता तो दिया मगर इलायची और उसके पापा को तो ये पता ही नहीं, इसीलिए तो वो आंटी जी का पीछा करने की सोच रहे थे। मगर उससे पहले कि वो यहाँ से जाते, कोई उनके आंगन में टहलता हुआ आ पहुंचा और बेंच पर लेट गया, जैसे लोग गार्डन में घूमते हैं और बेंच पर सो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। खैर जो भी होगा, दर्शकों को तो सिर्फ मजा आने वाला है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नई बात नहीं है, जब आप पुरानी अदाकाराओं को उनके किरदारों को याद करते हैं, याद तो हमारी उत्तरा देवी भी कर रही हैं। जी जी माँ की उत्तरा देवी जो उतर पड़ी हैं अलाउद्दीन खिलजी की राह पर, याद है ना वो सीन जब वो अपना चेहरा रंग कर यूं मेवाड़ के किले की ओर देखता है पद्मावत की तरफ नजरें करते हुए, कुछ वैसा ही मुंह रंग कर चली है ये भी अपनी बहू से, मेरा मतलब है कि जी जी माँ से बदला लेने। जन्माष्टमी के त्योहार पर एंट्री होगी एक पागल सासू माँ की, जो अपनी बहू पर हमला करने वाली है। जी हाँ, चेहरे पर रंग लगाए ये कोई और नहीं बल्कि उत्तरा देवी है, जो हाथों में चाकू लेकर फाल्गुनी को मारने आई है। अब इस दुनिया में उत्तरा देवी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो है उसकी खुद की बहू फाल्गुनी, जिसकी जान लेने के लिए वो एक बार भी नहीं सोचेगी। बहुत कुछ किया, कलर चेहरे पे उड़ाया, बालों में डाला, कपड़ों पे डाला और प्लानिंग काफी था, बट हमेशा की तरह परिवार बीच में आ गया और बचा लिया फाल्गुनी को। जन्माष्टमी के धूमधाम में सुयश और फाल्गुनी जश्न में डूबे थे, नाच गाना एकदम जोरों शोरों से चल रहा था। इतने में मौके का फायदा उठाकर उत्तरा देवी पहुंच गई। अब उत्तरा देवी शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं है के कान्हा जी ने भी जन्म लिया था कंस को मारने के लिए, तो सोचिए आपकी जिंदगी में कौन है कान्हा जो आपका वध करेगी, वो कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू फाल्गुनी ही हो सकती है। ढोल वाली बन के आती हैं और गुलाल लगा के आती हैं अपने मुंह पे कि वो पहचानी ना जाएं, उनका मकसद ये है कि मुझे मारना है। एकदम से वो अपना ढोल बजाना बंद करती हैं और मुझे आंखों में आंखें डाल देती हैं, हैप्पी बर्थडे फाल्गुनी, तो बस। और अपने साथ वो तलवार लेके आई हैं जिससे वो स्टिक से बजा रही होती हैं, उसी स्टिक में तलवार छुपा के लेके आई हैं वो। तो जरा बच के रहिएगा, फिर ये ना कहना कि हमने आपको सचेत नहीं किया था। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। टेक्निकली
देखा जाए तो आज का दिन ना वो गाना गाना चाहिए, टिप टिप बरसा पानी। वैसे पानी इतना बरसा कि समंदर बन गया और अपने मन के समुंदर में लीजिए गोते खा रहे हैं सिकंदर, जो इन दिनों थोड़े परेशान हैं क्योंकि उनके प्यार को वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्यार तो दोनों ही बेटियों से है, अमायरा से भी और कुल्फी से भी, लेकिन एक आंखों से दूर है तो दूसरी दिल से। किनारे सिकंदर का दिल सिर्फ और सिर्फ कुल्फी को पुकारे, क्योंकि कुल्फी के बिना सिकंदर के जीवन में कुछ भी नहीं। ये नज़ारा देखकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है, समंदर के किनारे पर आकर कुल्फी और सिकंदर ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं, गुब्बारों को लेकर भाग रहे हैं और पानी का खूब मजा ले रहे हैं। कुल्फी और सिकंदर की ये मस्ती सिकंदर के सपनों का हिस्सा था। जब ये सपना टूटा तो सिकंदर के चेहरे पर हमें मायूसी नजर आई। मायूस होकर समंदर किनारे सिकंदर जिंदगी से सवाल कर रहा है और ये पूछ रहा है कि उसकी जिंदगी उससे नाराज क्यों है, आखिरकार जिंदगी ने उसे कुल्फी से क्यों दूर कर दिया। यहाँ ऑन स्क्रीन सिकंदर मायूस है तो ऑफ स्क्रीन कुल्फी बहुत ही खुश है, क्योंकि समंदर किनारे अक्सा बीच पर ये शूट कुल्फी के लिए किसी पिकनिक से कम नहीं था। कुल्फी समंदर किनारे मिट्टी का टीला बना रही है, पानी में दौड़ भाग रही है और आउटडोर शूटिंग का खूब मजा ले रही है। मिट्टी का टीला बनाया था आपने, कैसा लग रहा था? हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा पर मेरी तरफ से बहुत अच्छा था। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अदाकारी को और उनके जलवे को याद करते हुए हम पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन चलिए अब पूरा दिन बिताते हैं हस्ती के साथ, भाई पोरस की हस्ती यानी कि मोहित अब्राल के साथ।
हाय, मैं मोहित अब्रोल, आप मुझे देख रहे हैं सास बहु और साजिश में। मेरे दिन की शुरुआत चाय बनाने से होती है और मेरा नाश्ता, मुझे परांठे बहुत पसंद है तो आलू के परांठे आज बनाए मैंने। ये मुझे एक्चुअली गिफ्ट किया था मेरे एक फैन ने, तो जो भी फैंस की चीजें आती हैं मैं बहुत संभाल के रखता हूँ। जो फोटो है मेरी, ये रजिया सुल्तान के टाइम की है जिसमें आई वाज प्लेइंग नासर। हिस्टोरिकल शो था और हिस्टोरिकल शो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, सो आई ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हिस्टोरिकल शोज हो, तलवारबाजी हो, घोड़ा चलाना हो, अंडर वाटर सीक्वेंसेस हो, तो यू नो इट्स एडवेंचर फॉर अस। ये मेरी फोटोज हैं जो मेरी एंगेजमेंट हुआ था, सो आप देख सकते हैं हम कितने खुश थे एंड अभी भी हैं। एक हमारे फैन थे, उसने बहुत अच्छा कोलाज बना के भेजा था। फोटोज देखेंगे तो एकदम छोटे छोटे, लाइक दिस साइड ऑफ एम इज मी एंड दिस साइड ऑफ एम इज मानसी एंड दिस इज बोथ ऑफ अस। घर से निकलने से पहले रोज पूजा करके निकलता हूँ, ये मेरी रूटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये मेरी बालकनी है जहाँ पे मोस्टली मैं सुबह बैठ के चाय पीता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छे फूल लगे हैं पेड़ों पे और मौसम बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे चाय पीने का अलग ही मज़ा आता है। मानसी ने मुझे मेरी गाड़ी के लिए दिया था, बट अभी ये चिपका, मैंने इसे यहाँ लगा रखा है। जब मैं दिल्ली में था तो रेनो के लिए वहाँ पे जब वो लगते हैं ऑटो एक्सपो, तो आई वाज डूइंग लाइक अ कॉन्सेप्ट फॉर देम, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था कि बिकॉज आई रियली लाइक दैट कार, इज अ कॉन्सेप्ट का। और जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा फोटो है विच इज़ रियली वेरी कम्फर्टेबल। आप यहाँ पे बैठ के मोस्टली मेरा दिन जाता है जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता, सुबह उठते न्यूज़ देखनी है या अपना शो देखना है, सो दिस इज़ वेयर आई सिट एंड रिलैक्स। जो पहली चीज़ मेरे बेडरूम में है वो है मेरा ड्रेसिंग टेबल। मेरे को जैकेट्स का बहुत शौक है, मेरे को ब्लेजर्स का बहुत शौक है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट जैकेट, आर्मी प्रिंट। मुझे ट्रेडिशनल कपड़ों का भी बहुत शौक है, तो जैसे ये मोदी जैकेट है और लिनन कपड़े हैं, गर्म सर्दियों के कपड़े हैं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ आउटडोर शूट पे तो आई ऑलवेज कैरी दिस जैकेट विद मी। पैंट के साथ मेरी डिफरेंट बेल्ट रहती है, नो नॉट एवरी बेल्ट गोज विद डिफरेंट पैंट्स। बॉम्बे में ऐसी जगह मिलनी बहुत मुश्किल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। सामने गार्डन है मेरे घर के, जब भी मैं उठ के सुबह यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो आई सी चिल्ड्रन प्लेइंग, फूल लगे हैं, पेड़ पौधे हैं। और इधर देखिए तो ये मेरी पिक्चर्स है, ये मेरा पहला फोलियो का पिक्चर है व्हेन आई वाज 4 साल पहले जब मैं मुंबई आया था, तो एक्चुअली मेरे को ये मेरे मॉम ने फ्रेम करवा के दी थी। और ये मेरी पहले शो की पिक्चर है विच आई डिड MTV फना, तो उसमें आई प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ जो, तो वो पिक्चर है। मानसी मुझे बहुत टेडीज देती है, जैसे मेरे हॉल में भी एक डॉग पड़ा है बड़े वाला, विच कभी कभी लोग आते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि सच्ची का कुत्ता तो नहीं है। दीज आर द बुक्स विच आई हैव रेड, और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है मुझे। और ये मेरा कॉलेज है अगर आप देखेंगे, सो दीज आर माई चाइल्डहुड पिक्चर। मैं बहुत नॉटी होता था बचपन में, दिस आई गॉट फ्रॉम बैंकॉक। जब मैं अभी बैंकॉक गया था तो एक्चुअली ये फ्रॉग है और इस साउंड भी वैसे ही करता है, देखिए। दिस इज कैमरा विच आई गॉट फ्रॉम मेरी पहली, जब मैं बॉम्बे आया था, क्योंकि मेरे फोटोग्राफी का भी थोड़ा शौक रखता हूँ, तो
I was in Hong Kong. मैं बहुत travel किया हूँ actually life में because I was working as a crew. तो मेरे पास ना सब जहाँ जहाँ मैं travel करता था वहाँ से कुछ ना कुछ souvenirs लेके आता था. This I got from Hong Kong. Lumix का camera, Panasonic. आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, like these dolls. So I was in South Africa. नज़र हटाने के लिए आपके घर पे नज़र ना लगे या कुछ हो. So these are dolls which I got from there. Tribal art है. ये स्फिंक्स का जो फेरोज होते थे इजिप्ट में उनका एक मिनिएचर वो है और ये मेरे लिए हमेशा गुड लक लेके आता है. सो आई हैव केप्ट इट एट द डोर. जब भी मैं दरवाज़ा खोल के सामने आता हूँ तो मेरे को पहली ही चीज़ ये दिखता है. और मानसी एक्चुअली एक फ़्लाइट में मिला था. हम दोनों मिलान गए हुए थे काम के लिए तो वहीं पे पहली मुलाकात हुई थी हम दोनों की. तो जहाँ पे हम शूट करते हैं अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सर्दी रहती है, बारिश में शूट कर रहे हैं, हमारे जो कॉस्ट्यूम्स रहते हैं वो ऐसे होते हैं, खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं बिकॉज वी शूटिंग फॉर 16 आवर्स 14 आवर्स अ डे. तो यही सब खा के हम जिंदा रहते हैं वहाँ पर. अभी मुझे जाना है मिलने मानसी से क्योंकि शाम को मुझे आना है उमर गाँव. तो मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. इतनी कातिलाना है रेखा की कि पूछिए नहीं. वैसे नज़र तो कातिलाना हमारी डायन की भी है. बेचारी डायन कितनी कोशिश की उसने ताबूत से निकलने की, अपने बेटी की शादी एक और डायन से कराने की कोशिश भी की, लेकिन लगता है कि ऊपर वाले को अभी मंजूर नहीं है. संस्कारी रूपी डायन से और साथ में उसके मम्मी पापा से. जी हाँ, ये रूबी के मम्मी पापा हैं जो अपनी बेटी की शादी अटेंड करने आए हैं. इधर रूबी ने घर में कदम रखा तो उधर अंश नाराज हो गया अपनी माँ से. अब भी शादी ब्याह वाला घर है और उस पर डायन की नज़र इस घर पर है तो सोचिए घर में पूजा पाठ और आरती का माहौल तो होगा ही ना. फिर क्या, वेत्री ने घर में पूजा करवाई है और घर में हर किसी को आरती दे रही है. लेकिन ये क्या, अंश अचानक से आरती लिए बिना ही क्यों चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दावंश को आरती लेने में डर लग रहा हो? अब ये शादी हो रही है और पंडित जी ने कहा कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है. तो हबड़ा दबड़ी में शादी का दिन तय हो गया और इसीलिए रूबी की मम्मी पापा फटाफट से आ गए. अब भाई मंडप भी तैयार है और कहने को तो शादी भी होगी, लेकिन क्या बाकी शादियों की तरह इस शादी में भी दुल्हन बदलेगी, ऐसा हम सोच सकते हैं. एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
करते हैं उनकी जो बन गए हैं पापा बाय चांस। हम बात कर रहे हैं युवान की। वेल, युवान को अब जरूरत है तो एक घर की, क्योंकि तीन बच्चों की परवरिश करनी है तो ऐसे में घर तो चाहिए। तो बस घर ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए हैं उसी घर में जो उनके पापा ने किसी को गिफ्ट किया था। पापा बाय चांस बने युवान को आज अपने ही पापा के घर में जगह नहीं मिल रही है। कोई है जो उसे अपनी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। मेरी तो ये नहीं समझ आ रहा जो तेरी मम्मी सुचारिता है उसे लपक के वेडिंग क्यों कर ली उससे। मेरी मॉम के बारे में ऐसी बात करने का आपको कोई हक नहीं है। तो कोई उसके खिलाफ गवाही देने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। हेलो, यहाँ कोई साथ मिलकर नहीं रहने वाला। हॉले हॉले, एक सेकंड, देख ये घर भले ही तेरा हो लेकिन इस घर में तू नहीं ठहर सकता। अब चाहे उसके लिए मुझे तुझ पर केस पूरा ठोकना पड़े। युवान अपने पापा के इस पुराने घर में आया है क्योंकि वो जिन तीन बच्चों का बाय चांस पापा बन गया है उनके साथ वो यहाँ रह सके। मेरा रूम, मेरा घर, मेरी मर्जी चलेगी। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं, चाहे मेरे बच्चे। बच्चे? कैसे बच्चे? मगर यहाँ तो उसके खुद के रहने के वादे हैं। फिर भी वो तय करके ही आया है कि वो रहेगा तो इसी घर में ही। ये घर वो है जो मेरे डैड ने अमृत के फादर को दिया होता पहले, बट उसको लगता है कि हाँ मैंने बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके इसको बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया तो ये घर उसका हो गया। बट है तो अल्टीमेटली मेरा ही ना, तो मैं जैसा चाहूँ वैसे रह सकता हूँ। युवान अभी बातें ही कर रहा था कि उसके तीन बच्चे यहाँ आ धमके। और उन्हें देखकर, उनकी हरकतों को देखकर यहाँ मौजूद लोग डर गए और युवान इन बच्चों के साथ रहेगा ये सोचकर परेशान हो गए, क्योंकि इन बच्चों का काम ही है युवान को ज्यादा से ज्यादा परेशान करना। मैं तो बहुत परेशान करूँगा। हम भी बहुत परेशान करेंगे, पर मतलब करेंगे, हम बड़े, हम तो बड़े हो गए हैं, एकदम बड़ों भर का परेशान करेंगे उन्हें। देंगे, मैं इन लोगों को संभालूंगी और बोलूंगी कि नहीं परेशान करो, तो मैं इन लोगों को संभाल के रखूंगी। एक है ना, अभी एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ था कि पापा कहते थे कि अगर कुछ ना सॉर्ट आउट हो तो बाबा जी रास्ता दिखाते हैं, तो वो जो रास्ता दिखाते हैं उसे युवान फॉलो करता रहता है। तो अब युवान को बच्चों के साथ रहने के लिए अपना घर तो मिल गया है, मगर एक ओर उसे बच्चे परेशान करेंगे तो दूसरी ओर इस घर में मौजूद लोग तो युवान दोनों ओर से पीसने वाला है और उसकी हालत देखकर लोग शायद हंसने वाले हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।